हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑन द स्ट्रॉलर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं, एक बहुत ही बड़ा क्रेज का जगह है, और अयोध्या में अगर आप हो और यहाँ नहीं आए हो तो कहीं नहीं आए हो। जैसा कि आपको पता, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, 25 ब्लॉग हम करने वाले हैं हेरिटेज ऑफ हेरिटेजेस अयोध्या के नाम से, और 25 में से एक ब्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, दूसरा ये है। फटाफट से आपको रिवील करते हैं हम कौन सी जगह पे हैं, और आपको दिखाते हैं यहाँ की वाइब्स आज कैसी हैं। भाई दबे आज कम भीड़ है, फिर भी मैं चाहूंगा दिखाएं आपको। अब तक आपने गेस कर लिया होगा हम कौन सी जगह पे हैं। एक्चुअली आज हम आ चुके हैं राम की पैड़ी पर, और यहाँ आपको कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाले हैं हम, दिखाने वाले हैं कैसा कैसा तैयारी चल रहा है। दीपोत्सव भी बहुत पास आ चुका है, आज ही मैंने एक्चुअली पास बनने के लिए आधार कार्ड वगैरह भेजा है, तो सारी चीजें तैयारियां हमारे तरफ से भी जोरों शोरों पे हैं, यहाँ से भी। तो पेंटिंग वगैरह काम हुआ, कुछ आर्ट वर्क्स हुए हैं, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट और फोटो पॉइंट माना जाता है। लाइक यहाँ पर जितने लोगों को फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर करवाने होते हैं, यहीं पर आके कैप्चर करवाते हैं। इस जगह की आकृति देखो कुछ इस तरीके से है, भाई भी देखो फोटो क्लिक करवाने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। जितनी भी फोटोज आप यहाँ की देखोगे राम की पैड़ी की, अगर लोकेशन डाल के इंस्टाग्राम में सर्च करोगे, सारी की सारी यहीं की रहती हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वो पॉइंट, यानी कि जो लोग नहा धो रहे हैं भाई, वो एक्चुअली लास्ट टाइम जो हम यहाँ पर आए हुए थे उस दिन को आज के दिन को 2-3 महीने बीत चुका है, और यहाँ पर एक ऐसी पेंटिंग बनी हुई है ना भाई, मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी सोचेंगे, मतलब एक उस पेंटिंग पे आज का पूरा ब्लॉग निसार भाई, इतनी मस्त पेंटिंग, इतनी गजब। तो मैं आपको उसको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी आप उसके लिए वेट करें। आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर ना बहुत कम टूरिस्ट आ जाए हुए हैं, और बहुत कम श्रद्धालु एक्चुअली आए हुए हैं। मैंने टूरिस्ट बोला तो इससे ये मत सोचना भाई, देखो ऐसा यहाँ पे घूमने वाले लोग भी बहुत आते हैं, जरूरी नहीं हो श्रद्धालु ही हो। ऐसा अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ है, ये जगह ही ऐसी है। मैं यहाँ का ड्रोन शॉट तो आपको नहीं दिखा सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मैं ऊपर से आपको दिखा सकता हूँ, इस पूरे व्यू को मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ आते ही अच्छी वाइब्स आ गई, यहाँ पे धूप निकल आई, 3 दिन से घर पे भी धूप नहीं निकला। हम लोग देखो लास्ट ब्लॉग भी बनाए थे तो बारिश में ही बनाए थे, धूप आ रही, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इनको हर चीज बुरी लगती है भाई। तो दोस्तों आपको पूरा अच्छा सा ओवरव्यू मैंने दे दिया, अब आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं एक्चुअली कैसे बना हुआ है, कहाँ से पानी आता है, सब पूरा इतिहास। सो फाइनली वी आर हियर, जहाँ पर पानी राम की पैड़ी में जहाँ से आता है वहां पर हम आ चुके हैं। बाय द वे एक्चुअली अभी पानी बहुत जलस्तर बढ़ चुका है नदी का, इसलिए यहाँ पर ये पानी बंद चल रहा है। वैसे तो कॉमन सेंस की बात यह है कि यहाँ से पानी देना चाहिए, लेकिन इतना भी पानी तो स्टोर नहीं कर पाएगी कि जलस्तर घटाने में सहायता हो, इसलिए अभी पानी बंद चल रहा है, सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से होगा आई थिंक। तो आपको हम दिखाते हैं अच्छे से कितने पाइप से पानी आता है, कितनी बड़ी पाइप है। देखो भाई ये कुछ 3-3-6 पाइप यहाँ पर आप देख सकते हो, यही पेंटिंग के बारे में बात कर रहा था, इसको मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो भाई 6 पाइप से पानी आता भाई, वैसे 6 नहीं चलती वरना बहुत ही ज्यादा वाटर लेवल हो जाए। और यहाँ पर देखो ये बहुत गहरा जगह है, यहाँ पे कहाँ खड़े होके बनाना पड़ रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना 1-2 लोग ऐसे महीने में निपट जाते हैं, बहुत गहरा है और अक्सर न्यूज़पेपर्स में आता रहता है, फिर भी लोगों को पता नहीं होता, चले आते हैं। आगे अगर आप वहां नहाओगे एकदम सेफ है, लेकिन लोगों को गहराई में जाना पसंद है और गहराई में खो जाते हैं। मैं आपको आगे का जगह दिखाता हूँ जहां पर एकदम सेफ है, आप भी नहा सकते हैं। ये पुल छोटी राम की पैड़ी और बड़ी राम की पैड़ी डिवाइड करता है एक्चुअली, और कनेक्ट करता है नेक्स्ट साइड से नदी से। वहां पर जो आपको दिख रही ना वो जगह, वो सारा नदी है। इसके बाद जो भी आपको वहां पर देखो, आपको ब्रिज भी दिख रहा होगा, वो नदी के ऊपर बना हुआ है। अब कहने का मतलब ये, जहां से पानी आ रहा है वहां आपको नहीं नहाना है, मेरा एडवाइस ये है, बाकी आपका मन। और जहां पे पानी आकर रुकता है, ढनक कर आता है, वहां पे आप नहा सकते हैं। लाइक यहाँ पे सब लोग देखो यहीं पे नहाते भी हैं, और ये बहुत लंबी जगह है, आराम से नहाओ, नाचो, गाओ, ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। बट फिलहाल पानी गंदा है, ऐसे रोज नहीं गंदा रहता, रोज साफ रहता, लेकिन अभी पानी बंद है तो ठहरा हुआ पानी तो ऑब्वियस गंदा हो ही जाएगा। अब आपको मैंने अच्छे से कंसेप्ट समझा दिया, ग्राउंड मैप समझा दिया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हो रही मस्तियों के बारे में। वैसे आप तो अभी यहाँ पे हैं नहीं,
फिर भी आप अच्छे से फील करेंगे, टेंशन मत लो, एकदम पूरा मजा आएगा। कैसे लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पे, चलो आपको दिखाते हैं। डर हमारे अंदर भी बहुत था, उसके अंदर भी बहुत था, हम दोनों एक दूसरे से डर रहे थे, कोलैटरल डैमेज हो सकता था, लेकिन दोनों बच गए। एक्चुअली मैंने एक मॉन्यूमेंट देखा था, बहुत ही ज्यादा पुराने ईंटों से बना हुआ, तकरीबन मेरे हिसाब से 1800 के पहले का बना हुआ होगा, लेकिन इन्होंने ये गए ही नहीं वहां पे, इनके पैर में इतने में ही दिक्कत आ गया, हम लोग भी नहीं जा पाए। फिर किसी और दिन इसको एक्सप्लोर करेंगे। कहीं भी जाओ अगर नया दोस्त नहीं बनाया तो क्या बनाया, यहाँ पे भी हमारा नया दोस्त बनाया। देखो, हेलो, से हेलो टू एवरीवन। हेलो बोल दे भाई, हाय कालू, कालू हमारा दोस्त। तो हमने कंप्लीट एक्सप्लोर कर लिया राम की पैड़ी को और आपको यहाँ की सारी चीजें बता दी। यहाँ पर बहुत चीजें खाने पीने की मिलती है, आपको एक बीरोल देख लो आपको पता चल जाएगा क्या क्या मिलता है, आराम से आप भी इंजॉय कर सकते हो आने के बाद। और बहुत मस्त सिवाई बात है, धूप सर्दी गर्मी मौसम चाहे जो भी रहे यहाँ आओ, बहुत मजा आता है। और हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिलेगी, भूख भूख लगेगी फिर भी हर चीज का आउटलेट है, यहाँ पे खा सकते हो पी सकते हो। और अब मौसम बहुत मस्त हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, इसलिए हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं। चाय पियेंगे आप, उससे पहले यहाँ के बीरोल्स देखेंगे और फिर चाय पीने के टाइम पे मिलेंगे। सामने खड़ी क्रेन और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध देख करके मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है, इस जो सामने आपको चौराहा दिख रहा है ना, यहाँ पर इस वीणा को रखने के बाद इस चौराहे का नाम मंगेशकर चौराहा रख दिया जाएगा, लता मंगेशकर जी की याद में। तो योगी जी का अच्छा डिसीजन है, उसका आनंद हमने भी लिया और हम उसके साक्षी बने, हमारे सामने ये काम हुआ। तो हमने सोचा आपको भी दिखा देते हैं, आप भी देख लें इस वीणा का रखा जाना, क्योंकि जन्म जन्मांतर के लिए रखा जाएगा और आप और हम इसके साक्षी बन रहे हैं। सोच रहा है कि हमको अयोध्या के पूरे रास्ते देखने हैं, पूरा शहर अच्छे से देखना है, उनके लिए विशेषकर एक अच्छा सा मोटो फोन हम बनाएंगे और एक ऐसे आपको दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या आए यहाँ नहीं आए तो कहीं नहीं आए, देखो। घूमते घूमते आंखों को अचंभित करने वाली चीज दिखी है, मेरी इतनी बसें चलती मुझे पता नहीं था। देखो यहाँ पे मुझे पता नहीं था, बिलियनियर बन चुका हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर राइटिंग माय नेम। अभी तक आपने देखा कंप्लीट राम की पैड़ी का रिव्यू और कैसी जगह थी, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया हमने। अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 9:30। अब मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने, क्योंकि कल सुबह 9 बजे मुझे अपलोड भी करनी रहेगी और उसके लिए मुझे सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा। तो जल्दी से करके जल्दी से सोते हैं, 2-3 घंटे ही नींद ले पाऊंगा। बाय द वे कल जिम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, लोगों से शेयर करें, एक नई सीरीज स्टार्ट की है, आपका प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर मी बॉडी टूडे, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।